जो मेरी डिस्कशन है उसकी शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और आप सभी लोग कोशिश करिए पार्टिसिपेट करने का। मुझे बताइए कि चेंज और अपडेशन में क्या फर्क है। किसी एक को अपॉर्चुनिटी दूंगा, जल्दी बताइए, कम समय है, बहुत कुछ बोलना है। चेंज और अपडेशन में क्या फर्क है, बोलिए सर, माइक दीजिए इनको। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अपडेशन जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत अच्छा बोला सर आपने। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, हर चेंज जो है वो अपडेशन नहीं होता है। एवरी चेंज इज नॉट अपडेशन, बट एवरी अपडेशन इज चेंज। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आप हर रोज पैंट और शर्ट पहनकर अपने कस्टमर के पास जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, मीटिंग्स के लिए जाते हैं, हर रोज सफेद रंग का पैंट और सफेद रंग की शर्ट पहनते हैं, ये मेरी हैबिट है, और मैं अपने कस्टमर्स के पास जाता हूं, उनसे मीटिंग करता हूं, हर रोज ये करता हूं। और एक दिन मैं क्या करता हूं, लाल रंग का शर्ट और लाल रंग की पैंट डाल के अपने कस्टमर के पास जाता हूं, तो ये चेंज है, ये चेंज है। लेकिन अगर एक दिन मैं कोट पैंट डाल के, टाई पहन के कस्टमर्स के पास जाना शुरू कर देता हूं, तो ये अपडेशन है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो हर चेंज जो है वो अपडेशन नहीं होता है, लेकिन हर अपडेशन जो है वो चेंज होता है। तो हमें थोड़ा सा समझना होगा, ये थिन लाइन है बिटवीन चेंज एंड अपडेशन, देयर इज अ थिन लाइन। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आई एम राइट और रॉन्ग? कभी कभी हम चेंज और अपडेशन के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर चेंज जो है वो अपडेशन नहीं होता, लेकिन हर अपडेशन जो है वो चेंज होता है। कभी कभी ये चीज हमारे समझ में नहीं आती है, और चेंज और अपडेशन के बीच में हम क्या हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं जो आपसे बातें करने वाला हूं, इन बातों को आपने सिर्फ अपने कानों से सुनना नहीं है, आपने, आपको पिक्चर दिखाई देनी चाहिए, आपको विजुलाइज होना चाहिए। जो भी मैं आपको बताना चाहता हूं वो सारी चीजें आपके सामने आपको दिखनी चाहिए। दैट शुड हैपन। आप मुझे बताइए के 1956 का हम सब की जिंदगी में इंपॉर्टेंस क्या है? क्या ये साल हम सब से जुड़ा हुआ है? Yes. कैसे? 1956 में फाइनेंशियल इंडस्ट्री की जो मदर है LIC, उसका जन्म हुआ, और इसीलिए ये साल हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राइट और रॉन्ग? आप मुझे बताइए कि 1956 के पहले, अगर आप अपने आप को एक बिजनेसमैन के रूप में देखें, अगर आप अपने आप को एक अपॉर्चुनिटिस्ट के रूप में देखें, और जिस प्रकार से अपॉर्चुनिटिस्ट होता है वो देखता है कि समाज में किस तरह का वातावरण है, और उस हिसाब से जो है वो अपनी प्लानिंग करता है कि मैं इस वातावरण का कैसे बेनिफिट ले सकता हूँ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? और उसी अपॉर्चुनिटिस्ट की तरह अगर आप सोचें, तो 1956 के पहले का जो माहौल था, जो बहुत सारे लोग थे भारत देश में, जो करोड़ों लोग थे भारत देश में, वो सारे के सारे लोग मास में किस प्रकार की सोच रखते थे, विजुलाइज कीजिए। वो जो माहौल था 1947 के बाद, जो माहौल था देश में, बहुत सारी लड़ाइयां होती थी, लोग जो है ना अपने समाज को बनाने में लगे हुए थे, भाई ये मेरा समाज है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा दायरा है। करोड़ों लोगों की सोच यही थी, क्या आप लोग मानते हैं इस बात को? करोड़ों लोगों की सोच यही चल रही थी 1947 के बाद, कि हम अपने समाज का जो है ना वो वर्चस्व थोड़ा स्थापित कर ले, ये जगह मेरी होनी चाहिए, ये धर्म मेरा होना चाहिए। ये करोड़ों लोगों की सोच थी भारत देश के अंदर, ये लाखों लोगों की सोच थी, और लोग जो है ना वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करते थे कि मैं इस चीज में इन्वॉल्व हूं, मैं फ्रीडम फाइटर हूं, प्राउड फील होता था ना। जो लोग उसमें थे उनकी रिस्पेक्ट होती थी, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो ये सब चीज़ों में लगे हुए थे देश को आज़ाद करने में, वो उस एक सोच के बहुत सारे करोड़ों लोग थे, और लोग इन्वॉल्व थे उस प्रोसेस के अंदर। सब लोग नहीं थे, लेकिन जो लोग थे उनकी वैल्यू थी, उनकी रिस्पेक्ट थी। आई एम राइट और रॉन्ग? लेकिन 1956 के बाद मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव था? अगर अपॉर्चुनिटिस्ट की नजर से सोचे, अगर बिजनेसमैन की नजर से सोचे, और मैं मार्केट को एनालाइज करूं, तो क्या एनालाइज करता हूं, वो क्या बदलाव था मार्केट में 1956 के बाद? मार्केट में लाखों करोड़ों लोगों की सोच में एक बड़ा बदलाव आया, और वो बदलाव क्या था? लोग अब समाज के बारे में नहीं सोच रहे थे, लोग अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, लोग अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, लोग अपने बारे में सोच रहे थे, लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, अपने परिवार को स्टेबल करना चाहते थे।
ऐसा ही कुछ हुआ था। लोग जो है वो नौकरी कर रहे थे, लोग छोटा छोटा काम कर रहे थे, थोड़े पैसे कमा रहे थे, लेकिन हर आदमी, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है इस दिशा में लग गए। अब वो फ्रीडम फाइटर का दौर खत्म हो गया। अब लोग जो है समाज के बारे में छोड़कर अपने परिवार के बारे में सोचने लगे, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचने लगे, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचने लगे। हर आदमी काम कर रहा था और ये संख्या लाखों में नहीं, करोड़ों में थी। हर आदमी ऐसा सोच रहा था, ये एक बहुत बड़ी मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी। और जो अपॉर्चुनिटीज़ थे उनको दिखाई दे रहा था कि लोग जो है वो पैसे कमा रहे हैं, भले थोड़े पैसे कमाते हो, बट पीपल आर अर्निंग मनी। दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और उसमें से एक अपॉर्चुनिटी LIC जैसी कंपनी थी और उन्होंने एक बड़ा प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन किया। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जहां पर लाखों करोड़ों लोग जो है वो पैसा कमा रहे थे, थोड़ा कमा रहे थे, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो है वो पैसा कमा रहे थे। और उनका उनकी डिमांड थी, उनकी नीड थी पैसों को जमा करना, ये उनकी जरूरत थी। और जब LIC ने ये प्रोडक्ट इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेके आया, जब LIC इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेके आई, एक कंपनी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेके आई, इस कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे लोगों को देने के लिए उन्होंने डेवलपमेंट ऑफिसर्स बनाए। और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के द्वारा कई सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने की उन्होंने कोशिश की, कई सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की, उन्हें समझाने के लिए उन्होंने कोशिश की कि देखिए मार्केट में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चलो मिलके इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन वो जो फ्रीडम फाइटर का जो माइंडसेट था लोगों के मन में, वो एक काम अलग था। दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग एंड दिस वॉज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन माहौल तो बदल गया था। मार्केट में क्या हुआ था? चेंज हुआ था। मार्केट में क्या हुआ था? मार्केट चेंज हो चुका था। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, ये दौर अलग है। लेकिन लोगों ने, कई सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को भाप नहीं पाए कि मार्केट तो बदल गया है, इस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाए। कि आप सभी लोग मेरे साथ हैं, इस अपॉर्चुनिटी को लोग समझ नहीं पाए। और कई सारे लोगों ने बोला, अरे भाई अब तू भीख मांगने के लिए बोलेगा मेरे को, अब तू लोगों के घर पे जाने बोलेगा मुझे, अरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने बोलेगा, लोगों की पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूं। कई सारे लोगों ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को नकार दिया। आई एम राइट और रॉन्ग? कई सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को नकार दिया। लेकिन यकीन मानिए, मार्केट बदल चुका था, मार्केट बदल चुका था। इंश्योरेंस एजेंसी उस वक्त की नीड थी, इंश्योरेंस एजेंसी समय की नीड थी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट लोगों की नीड थे, क्योंकि लोग पैसा कमा रहे थे, लोग पैसा जमा करना चाहते थे। किसके लिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes. क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes. रूल नंबर एक को आप से फॉलो कर रहे हैं? Yes. सुबह से फॉलो कर रहे हैं? Yes. सुपर। तो दिस वॉज एक्चुअली द नीड ऑफ टाइम, दिस वॉज द नीड ऑफ पीपल, बिकॉज लोगों की जरूरतें, जरूरतें जो है वो अपने लिए थी, अपने बच्चों के लिए थी, अपने भविष्य के लिए थी। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को, इस बदलाव को, इस चेंज को लोग देख नहीं पाए और कई सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। लेकिन कई सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी किया। आप मानते हैं, कई सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाया। कुछ लोगों के चेहरे में आपको दिखाना चाहता हूं, ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। मिस्टर भीमन दास जो कि कलकत्ता से हैं, पिछले 40-50 सालों से इंश्योरेंस एडवाइजर का काम कर रहे हैं। मिस्टर आरके शेट्टी जो कि मुंबई से हैं, मिस्टर हरीश अरोरा जो कि हमारे साथ में बैठे हुए हैं, मिस्टर पंजाब सिंह, ये सभी लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और इसका फायदा उठाया। कि आप लोग इस बात को मानते हैं? इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। लाखों लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, हजारों लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा और इस अपॉर्चुनिटी का बहुत बहुत फायदा उठाया। लेकिन क्या समय वैसा ही हर वक्त रहता है? लेकिन क्या समय हर वक्त वैसा ही रहता है? समय तो बदलता रहता है, समय तो बदलता रहता है। कल का समय कुछ और था। सन 2000 के बाद में मार्केट में फिर बदलाव आया। पहले मौसम चल रहा था फ्रीडम फाइटिंग दौर का, फिर मौसम आया अपने पर्सनल लाइफ को ग्रो करने का। लेकिन 2000 के बाद में मार्केट में फिर बदलाव आया। क्या बदलाव था? हम सबने तो देखा हुआ है, हम सबने देखा हुआ है, राइट और रॉन्ग? क्या बदलाव था?
बहुत सारी कंपनीज आ गई, प्राइवेट कंपनीज आ गई, पहले एक कंपनी चलती थी, अब बहुत सारी कंपनीज आ गई, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई, बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आ गई, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज आ गई और बहुत सारे ब्रोकर्स आ गए मार्केट में, कंपनियां ही कंपनियां, कंपनियां ही कंपनियां हो गई, राइट और रॉन्ग? कितना बड़ा बदलाव हो गया, कितना बड़ा बदलाव हो गया मार्केट में। और ये बदलाव जो था, ये जो चेंज जो था, अब एक इंश्योरेंस एडवाइजर को फिर बदलने की जरूरत थी। जैसे उस फ्रीडम फाइटर को अब इंश्योरेंस एडवाइजर बनने की जरूरत थी, वैसे अब इस इंश्योरेंस एडवाइजर को फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की जरूरत थी। क्यों? क्यों? उसको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत थी। और जब उसको अपडेट करने के लिए, जब उसको अपडेट करने के लिए एक डेवलपमेंट ऑफिसर उसके पास गया, तो वो इस चेंज को समझ नहीं पाया, वो इस चेंज को समझ नहीं पाया और उसने कहा नहीं, मैं चेंज नहीं होना चाहता। लेकिन चेंज और अपडेशन में जो है ना, थोड़ी सी गड़बड़ है, चेंज और अपडेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, वो इमीडिएटली समझ में नहीं आती, वो इमीडिएटली पकड़ में नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चेंज हो रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं चेंज नहीं हो रहा, मैं अपडेट हो रहा हूं। हाँ, वो मुझे समझ रखनी है कि एक्चुअली मैं अपडेट हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो मुझे समझ रखनी है। लेकिन लाखों लोग ऐसे थे जो इस चीज को पकड़ नहीं पाए और उन्होंने मना कर दिया। ये बात मैं कब की कर रहा हूं? 2001, 2002, 2003, 2005, 2010 तक की बात कर रहा हूं कि पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस, कि मुझे जो है, और उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग एक ही चीज पर बात कर रहे हैं और हमने सीखा, आज दिन भर में हमने सीखा कि हमें कस्टमर सेंट्रिक होना है, हमें कस्टमर के लिए काम करना है। मुझे तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट दिखाई दे रहा है। अगर मैं किसी भी तरीके से अगर मैं लोगों का भला कर पाया, तो बस यही मेरी तरक्की का राज है। दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर बनना ये समय की मांग थी, ये समय की जरूरत थी। डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लोगों की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि अब नए लोग आ गए थे, पहले के लोग नहीं थे, अब नए लोग आए थे, नए लोगों की नई नीड थी, नया जमाना था। यू नो, मार्केट में कई सारे चैनल्स आ गए थे, कई सारे न्यूज़पेपर आ गए थे जो कि सारे प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे थे, लोगों को जानकारी हो गई थी प्रोडक्ट्स की, लोगों को इन सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत थी। फाइनेंशियल एडवाइजर मार्केट की नीड थी। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और क्या आप ये चीज समझ रहे हैं कि धीरे 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 मैं आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूं? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि चेंज और अपडेशन में क्या फर्क है, और इसके बीच में बहुत छोटी सी एक लाइन है, जल्दी समझ में नहीं आता है, जल्दी पकड़ में नहीं आता है, बस उसी लाइन को मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, लाखों लोगों ने इंश्योरेंस एडवाइजर से फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए मना कर दिया, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इसका पूरा फायदा लिया, उनके पिक्चर में आपके सामने रखना चाहता हूं। हजारों लोग हैं, लेकिन मिस्टर भीमन दास ये म्यूचुअल फंड का भी काम करते हैं, मिस्टर आर के शेट्टी ये म्यूचुअल फंड का भी काम करते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी करते हैं, मिस्टर हरीश अरोड़ा मैं इनके ऑफिस में जाके आया हूँ, ये हेल्थ इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, म्यूचुअल फंड का भी काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का भी काम, यू नो, मल्टीपल TOTs करते हैं, मिस्टर नवीन चंद जैन जो है, यू नो, ये तो 1956 से मेरे ख्याल से ये LIC में है, LIC में ये मल्टीपल TOT करते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में मल्टीपल TOT करते हैं, जनरल इंश्योरेंस में इनका बहुत बड़ा काम है, म्यूचुअल फंड में इनका बहुत बड़ा काम है, पूरा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर इन्होंने जो है पूरा इसका बेनिफिट लिया है, मल्टीपल TOTs करते हैं, सारी इंश्योरेंस कंपनी, कुछ 4-5 इंश्योरेंस कंपनी को मिलाकर इन्होंने एक ऐसा ब्रोकिंग हाउस बना दिया है अलग अलग नाम पर कंपनी लेकर। एंड मुझे बता रहे थे कि करीबन 7-8 करोड़ रुपए का सालाना इनकम अर्न करते हैं ये सारे बिजनेस से। और एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में वो मार्केट में काम करते हैं और उनका एक्सेप्टेंस मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और जिस एरिया में ये रहते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, बीमा गुरु के नाम से एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं और बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा ये फेमस है अपने एरिया में। आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या आपको बोलना चाहता हूं? समय के साथ मुझे बदलने की जरूरत है, लेकिन मार्केट जो है फिर भी रुका नहीं। 2020 के बाद में मार्केट में फिर से बदलाव आया है। 2020 के बाद मार्केट में फिर से बदलाव आया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो बदलाव क्या है? हाँ जी, टेक्नोलॉजी तो आ गया, बहुत पुराना हो गया अभी, ये तो जूना हो गया। हाँ जी, इंटरनेशनल इंश्योरेंस। और क्या है बताइए दोस्तों? एक बदलाव बहुत बड़ा आया है, ध्यान दीजिए। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अपनी सोच को रखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और बदलाव ये है कि आज जो है हर घर से एक बच्चा जो है फॉरेन पढ़ने जा रहा है। हर घर से एक आदमी जो है फॉरेन काम करने के लिए चला गया है। हर घर से एक व्यक्ति जो है वो फॉरेन दुबई में काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, अमेरिका में काम कर रहा है, कनाडा में काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है। हर घर से एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जो है वो बाहर चले गए। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आप अपॉर्चुनिटिस्ट हैं? क्या आप बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं? अरे मार्केट में कितना बड़ा बदलाव आ गया। एक बिजनेसमैन की तरह, एक अपॉर्चुनिटिस्ट की तरह सोचिए कि लाखों लोगों का दिमाग पहले जैसा नहीं रहा, लाखों करोड़ों लोगों की डिमांड पहले जैसी नहीं रही। अरे ये एक दो लोग नहीं है, ये करोड़ों लोग हैं। और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक दो आदमी नहीं बाहर गया, हजार दो हजार आदमी बाहर नहीं गए, करोड़ों लोग आज बाहर चले गए हैं। तो इससे क्या हुआ? क्या लोगों की नीड में कुछ फर्क पड़ा? क्या लोगों की जरूरत में कुछ फर्क पड़ा? क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को समझ पा रहा हूं? एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर मैं एक बिजनेसमैन की तरह सोचूं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। कैसे अपॉर्चुनिटी हुई? आज हर घर से एक व्यक्ति, एक बच्चा जो बाहर चला गया है, कितने साल पढ़ाई करेगा वो? 4 साल पढ़ेगा, 3 साल पढ़ेगा, 5 साल पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करते करते वहां जॉब करेगा, जॉब करते करते जो है कम से कम वहां 4-5 साल काम करेगा। अरे 10 साल वहां पर रह गया तो जरा सोचो वापस आ सकता है क्या? 10 साल में बाहर रह गया, 10 साल में मैंने क्या किया? अपने दोस्त बना लिए, हो सकता है शादी भी कर ली, हो सकता है मैंने एक घर ले लिया, हो सकता है मैंने एक गाड़ी ले ली। अरे कितनी जड़ें जम गई मेरी, अब ये जड़ें छोड़ के मैं आ सकता हूं? अरे जो व्यक्ति वहां पे जॉब करने गया है वो आदमी कम से कम 5 साल काम करेगा, कम से कम 10 साल काम करेगा। अरे 10 साल रहने के लिए उसने कहीं घर लिया होगा, 10 दोस्त बनाए होंगे, कितना कुछ उसने किया होगा। अब 10 साल के बाद वो छोड़ के आ सकता है? नहीं आ सकता, उसकी जड़ें जम गई वहां पे, अब वो व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा। उसकी जरूरतें तो अब उस जगह के हिसाब से हो गई। समझ रहे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए अपॉर्चुनिटिस्ट, एज ए बिजनेसमैन, वो सारी अपॉर्चुनिटी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रही है? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एक व्यक्ति जो यहां से बाहर चला गया है वो दोबारा वापस आने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी चीज, जो चला गया है वो तो नहीं आएगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने बच्चे को बाहर भेजा है, ये सोचकर कि मेरे बुढ़ापे का सहारा ये बनेगा, ये सोचकर कि मेरा ये रिटायरमेंट प्लानिंग है, वो बच्चा उसके बुढ़ापे पे इंडिया में कभी नहीं आने वाला है। तो होगा क्या? अब बुढ़ापे में अगर उसे कोई चाहिए तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। आज यही हो रहा है। आज क्या हो रहा है? बच्चे अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि आप मेरे पास में आ जाइए, मेरे पास में समय नहीं है, 10 साल हो गए आया नहीं है, 10 साल हो गए आया नहीं है। लेकिन अभी भी वो बोल रहा है कि मेरे पास आने को समय नहीं है, आप आ जाइए और मेरे पास में ही रहिए। यानी कि पेरेंट्स को भी उसके पास जाना पड़ेगा रहने के लिए।
अब एक व्यक्ति जो कि यहाँ पर किसी बैंक में कहीं किसी अच्छी जगह में काम कर रहा है और अपने आप को राजा समझता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरे पास में 2 करोड़ रुपए होंगे और उस 2 करोड़ से मैं राजाओं की ज़िंदगी जी सकता हूँ सारी ज़िंदगी। दोस्तों 2 करोड़ रुपया लेकर रिटायरमेंट के बाद अगर वो अमेरिका गया आज से 15 साल बाद 20 साल बाद तो 2 करोड़ बटे 200 हो जाएंगे सीधे सीधे, तो कितने डॉलर रह गए उसके पास? $100,000। $100,000 में कितने साल जिएगा वो? यहाँ पर तो जिंदगी भर राजाओं की जिंदगी जी सकता था लेकिन वहाँ पर जाकर हो सकता है कि उस $100,000 से 5 साल के बाद में वो अपने बच्चे पे डिपेंड हो जाए। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर हमारा काम क्या, यही सारी चीज़ें तो बताते हैं, लेकिन अगर मैं कस्टमर सेंट्रिक हूँ तो आने वाले दिनों में ये मेरे कस्टमर की नीड है एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पा रहा हूँ? क्या मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को देख पा रहा हूं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे कस्टमर को, वो व्यक्ति जो बाहर काम कर रहा है, जो कर रहा है, जो पढ़ने गया है, जो काम कर रहा है, भविष्य में उसकी नीड डॉलर बेस्ड सेविंग है। वो व्यक्ति जो यहां पर है, इंडिया में है, जिसे बुढ़ापे के बाद चांसेस बहुत ज्यादा है कि अपने बच्चे के पास जाना पड़े, चांसेस बहुत ज्यादा है, अगर उसका अटैचमेंट अपने बच्चे से बहुत ज्यादा है तो चांसेस है कि उसे अपने बच्चे के पास जाना पड़े, अगर नहीं भी जाए तो फ्रीक्वेंटली जाता रहेगा, वो हर साल में एक चक्कर मारता रहेगा, जो शायद आप लोग देख रहे हैं। कोई देख रहा है ऐसा? कोई देख रहा है ऐसा होते हुए? मैं सच बोल रहा हूं, कुछ गलत बात तो नहीं बोल रहा? श्योर? परफेक्ट। तो डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, डॉलर बेस्ड सेविंग्स, ये हमारे कस्टमर की कहीं ना कहीं हिडन नीड बनती जा रही है। डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ये हमारे कस्टमर की हिडन नीड बनती जा रही है और एज अ अपॉर्चुनिटिस्ट मुझे इसका फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप मुझे बताओ। एज अ बिजनेस ओनर, अगर आप बिजनेसमैन की दिमाग से सोचते हैं, अगर आप एक अपॉर्चुनिटिस्ट के दिमाग से सोचते हैं, आप जो भी हैं उससे हटके, अगर मैं एक बिजनेसमैन के दिमाग से सोचता हूं तो अरे ये तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, ये तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, इस अपॉर्चुनिटी पर मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या लगता है आपको? डोंट यू थिंक सो के इंटरनेशनल एसोसिएट बनना ये एक समय की मांग हो गई है? ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से 2000 में फाइनेंशियल एडवाइजर बनना समय की मांग हो गई थी, जिस प्रकार से 1956 के बाद इंश्योरेंस एडवाइजर बनना समय की मांग हो गई थी, ठीक उसी तरीके से आज जो है मेरे कस्टमर के बेनिफिट के लिए, मेरे अपने बेनिफिट के लिए, अगर मैं देखूं एज अ बिजनेस ओनर तो इंश्योरेंस एसोसिएट बनना ये समय की मांग हो गई है। डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, डॉलर बेस्ड इंश्योरेंस, ये मेरे कस्टमर्स की, लोगों की जरूरत हो गई है क्योंकि मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया है। दोस्तों 1956 के बाद उस व्यक्ति को जरा सोचिए, विजनरी बनिए, थोड़ा सोचिए, एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाइए। उस व्यक्ति को 1956 के बाद एक डेवलपमेंट ऑफिसर एक व्यक्ति के पास आया होगा जो कि फ्रीडम फाइटिंग वाले माइंडसेट में था, उस व्यक्ति को आकर एक डेवलपमेंट ऑफिसर ने बोला कि तू इंश्योरेंस एडवाइजर बन जा, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाया, तो क्या आप उसे गलत बोलेंगे? नहीं, वो गलत नहीं था क्योंकि उसके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं थे जिसके बेसिस पे वो एनालाइज कर सकता कि हाँ वाकई में मार्केट में ऐसा चेंजेस हो सकता है। उसने तो पास्ट देखा नहीं था, उसने तो ऐसा कोई एनालाइज किया नहीं था। 2000 में जब किसी व्यक्ति को एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की अपॉर्चुनिटी मिली होगी और उसने अगर मना कर दिया तो क्या वो गलत था? थोड़ा बहुत गलत था क्योंकि थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत पास्ट एक्सपीरियंस था, थोड़ा बहुत तो एनालाइज कर सकता कि मार्केट में बदलाव आता है और इस बदलाव से मुझे अपडेट करना चाहिए। बहुत ज्यादा गलती नहीं थी, थोड़ी गलती थी, मार्केट को एनालाइज करना चाहिए था, मार्केट पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन
आज की तारीख में अगर मुझे इतनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है और मैं इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करता हूं, तो मैं गलत हूं क्या? तो मैं गलत हूं क्या? क्यों गलत हूं? क्यों गलत हूं? जो बदलेगा नहीं वो निकल जाएगा। हाँ ठीक है, भविष्य में जो बदलेगा नहीं वो निकल जाए, लेकिन ये बात कैसे सत्य हो गई? ये बात कैसे सत्य हो गई कि आज अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया तो मैं गलत हूं? ये बात कैसे गलत हो गई? हाँ जी, पास्ट एक्सपीरियंस है मेरे पास में, इतना लंबा पास्ट एक्सपीरियंस मेरे पास में है, इतना लंबा पास्ट मेरे पास है, पास्ट एक्सपीरियंस मेरे पास है। दोस्तों ये जो बदलाव है समय के साथ में जो बदलना है, समय के साथ में अगर मैं अपने आप को बदल रहा हूं, समय के साथ में कल मैं सफेद रंग की पैंट पहनता था, सफेद रंग का शर्ट पहनता हूं और ये पहन के मैं अपने कस्टमर के पास जाता था, लेकिन आज से मैंने कोट और टाई और पैंट डाल के लोगों के साथ में मीटिंग करना, एक प्रोफेशनल तरीके से लोगों के साथ में मीटिंग करना शुरू किया, तो ये चेंज है, लेकिन ये अपडेशन है, ये नॉर्मल चेंज वाला चेंज नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जिस प्रकार से 1956 में एक व्यक्ति इंश्योरेंस एडवाइजर बना और वही इंश्योरेंस एडवाइजर 2000 में फाइनेंशियल एडवाइजर बना और वही 2000 में जो फाइनेंशियल एडवाइजर बना वो 2023 में इंटरनेशनल एसोसिएट्स बनता है, तो ये एक जो है ना, ये पॉजिटिव बदलाव है। किसी ने बताया था शुरू में, कौन थे वो व्यक्ति? जयप्रकाश जी ने बताया था कि चेंज जो है अगर वो पॉजिटिव हो तो वो अपडेशन होता है, ये पॉजिटिव चेंज है। तो मेरी इन बातों को सुनने के बाद में आपके अंदर कोई ऊर्जा पैदा हुई क्या? Yes. सच्ची में ऊर्जा पैदा हुई? Yes. कुछ आपके दिमाग में केमिकल रिएक्शन हुआ? Yes. आपके मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी एक इंटरनेशनल एसोसिएट बनना चाहिए? बोलिए। Yes. ऐसी हुई? Yes. तो अब मैं आप लोगों को बीच बजदार में छोड़ के चले जाता हूं। आपके अंदर जगह हुई ना? नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। क्या हम लोग ने BITV ने कभी ऐसा किया है, किसी को बीच मझदार में छोड़ा है, किसी चीज को अनाउंस किया हो और हमने छोड़ दिया, ऐसा हुआ कभी? किसी का एक्सपीरियंस है तो बताइए मुझे। तो बीच मझदार में छोड़ के नहीं जाऊंगा कि आप लोगों को इतना जो है मोटिवेट कर दिया, अरे इंटरनेशनल एसोसिएट आप आगे क्या। तो आप लोगों को एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, और वो रास्ता है कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फॉर्म। कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म, यह दुबई बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है, यह आपके लिए एक रास्ता बन सकता है इंटरनेशनल एडवाइजर बनने का, इंटरनेशनल एसोसिएट बनने का। तो क्या है ये कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूं। 28 साल पुरानी यह कंपनी है दुबई में, 28 साल पुरानी कंपनी। किसने शुरू की थी? तो मिस्टर अशोक सरदाना जी ने शुरू की थी, जो कि एक इंडियन व्यक्ति है। कितने साल का तजुर्बा है इस व्यक्ति को फाइनेंशियल इंडस्ट्री का? ऐसा तो नहीं कि पिछले साल मन किया था कि इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने का, शुरू कर दिया। नहीं, 45 सालों का इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने का तजुर्बा है। 300 लोग इनकी कंपनी में काम करते हैं, करीबन 500 कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस के। दुबई में सिर्फ 3 ऑफिसेस हैं, दुनिया के 5 देशों में इनके ऑफिसेस हैं, दुनिया के 5 देशों में इनके ऑफिसेस हैं। अगर इतनी बातें सुनकर मेरा ट्रस्ट की बात चल रही थी, हर एडवर्टाइजमेंट में ट्रस्ट की बात हुई, अगर इतनी बातें सुन के भी मेरा ट्रस्ट इस कंपनी पर नहीं बैठता है, तो आपने एनजे इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम सुना है? Yes. कितने लोगों ने सुना है? एनजे इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो, अगर आपने कभी उनसे वार्तालाप की होगी उनके एम्प्लॉयज के साथ में, तो वो कहते हैं हमारा दुबई में ऑफिस है। आप जानते हैं कि उनका दुबई में भी ऑफिस है? नहीं जानते? तो एनजे इन्वेस्टमेंट का दुबई में भी ऑफिस है। उनका दुबई में जो ऑफिस है वो कॉन्टिनेंटल का ऑफिस है, वो कॉन्टिनेंटल के ऑफिस में उनकी टीम बैठती है। अब इतनी बड़ी ट्रस्टवर्दी कंपनी जो है कॉन्टिनेंटल के ऑफिस में बैठती है, तो मेरा ट्रस्ट भी तो बनता है उसके ऊपर। आई एम राइट और रॉन्ग? आप सभी लोगों ने मोतीलाल ओसवाल कंपनी का नाम सुना है? Yes. मोतीलाल ओसवाल कंपनी का नाम सुना है? मोतीलाल ओसवाल कंपनी इज वन ऑफ द चैनल पार्टनर ऑफ कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म। विश्वास बैठता है?
मिस्टर एलेक्स करके एक व्यक्ति है जिनकी जिनसे मेरी मुलाकात दुबई में अभी मैं गया था थोड़े समय पहले, वहां पे मिस्टर एलेक्स से मेरी मुलाकात हुई। मिस्टर एलेक्स जो है वो LIC के साथ में डेवलपमेंट ऑफिसर थे। 2007 में जब वो दुबई गए थे तो वहाँ पर उन्होंने यू नो इंश्योरेंस कंपनी को, फाइनेंशियल इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने का काम किया, और 2007 में वो कॉन्टिनेंटल के साथ में यू नो इंटरनेशनल एसोसिएट बन गए 2007 में। और अब मैं उनसे मिला था कॉन्टिनेंटल के ऑफिस में, बहुत सक्सेसफुल इंटरनेशनल एसोसिएट है, और 2007 से पहले वो LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर थे। यू नो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मुझे विश्वास दिलाती हैं किस तरफ, जिस अपॉर्चुनिटी की तरफ मुझे जाने को डर लगता है। अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन कहीं रिस्क तो नहीं, कहीं गलत जगह पे तो नहीं चले जाऊंगा, तो ये सारी चीजें जो है मेरे डर को दूर करने का, मुझे नॉलेज देती है, मेरे को ज्ञान देती है, और मेरे डर को यू नो मेरे डर को दूर करने का काम करती है। क्योंकि डर को दूर करने का काम आज बहुत अच्छा सीखा हम लोग ने, प्रदीप जी से बहुत अच्छा सीखा हमने, डर को दूर करने का काम जो है वो नॉलेज करता है। और ये नॉलेज, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है वो मुझे, ये सारी चीजें जो है वो मेरे डर को, मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करती है। अगर मैं पॉजिटिवली बात करूं, क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? आर यू ऑल विथ मी? अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, ठीक है ये सारी बातें ठीक है, देखिए मैं BITV चैनल को चला रहा हूं, मैं बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ जो है ना बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूं। क्या आप लोगों को दिखता है कि ये काम मैं बहुत इमोशनली कर रहा हूं? क्या जो वो लोग जो मेरे साथ में पिछले नो कई सालों से मेरे साथ में है, मैं बहुत इमोशनली काम कर रहा हूँ यू नो। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में करूँ वो खरा सोना हो यू नो। तो इसको मैं आप लोगों को थोड़ा और टेक्निकलिटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा नहीं है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उस रास्ते से भटक जाऊँ, नहीं, उस रास्ते में मुझे और स्ट्रांग होना है, मेरे पास में जो हथियार है उन हथियारों को मुझे बढ़ाना है। क्यों मुझे इंटरनेशनल एडवाइजर, इंटरनेशनल एसोसिएट बनना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ऐसे सामने दिखाई दे रहा है क्या? विजनरी बनिए, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ऐसे दिखाई दे रहा है क्या, जैसे वो थ्री इडियट पिक्चर में वो बच्चे को दिखाई देता था, ऐसे दिखाई देता था सब उड़ते हुए, वैसा एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन मार्क है सामने, ऐसे मेरे सामने आंखें खुली है लेकिन एक क्वेश्चन मार्क मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। क्यों मुझे इंटरनेशनल एसोसिएट बनने की जरूरत है, व्हाई आई नीड टू बिकम इंटरनेशनल एसोसिएट? और इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की ऊर्जा को जागृत कर देगा ये जो उत्तर है ये आपकी ऊर्जा को जागृत कर देगा। अगर आप लोगों को नींद आ रही है तो नींद उड़ जाएगी, बहुत जबरदस्त आंसर है, नींद आ रही है तो नींद उड़ जाएगी। क्यों मुझे इंटरनेशनल एसोसिएट बनना चाहिए? क्योंकि मुझे बहुत सारे NRI लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, और वो NRI के पास में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, उन सारे लोगों के साथ मुझे कनेक्ट होना है जिसके लिए ये इंटरनेशनल एसोसिएट मेरी मदद करेगा। छोटी चीज है क्या ये? इज दिस ए स्मॉल थिंग? वो सारे NRI लोग और वो NRI की जान पहचान के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट होने में ये मुझे मदद करेगा, कितना बड़ा फायदा होगा मेरा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, उनसे कनेक्ट होना है मुझे इतने सारे लोगों से, इसीलिए मुझे इंटरनेशनल एसोसिएट बनना है। वो सारे बच्चे जो बाहर चले गए हैं जिनको भविष्य में डॉलर में अर्निंग करनी है और उनकी सेविंग डॉलर में है, उन बच्चों के पेरेंट्स से यहां पर मुझे मिलना है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, उनसे कनेक्ट होना है, इसीलिए मुझे इंटरनेशनल एसोसिएट बनना है। बहुत सारे अल्ट्रा एचनाइज लोग हैं, मुझे उनसे कनेक्ट होना है, इसीलिए मुझे इंटरनेशनल एसोसिएट बन रहा है। क्या मुझे ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे दिखाई नहीं दे रही है? क्या मुझे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं? क्या मैं एक विजनरी एडवाइजर हूं? Yes. क्या मैं एक विजनरी एडवाइजर हूं? Yes. क्या मुझे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं? Yes. क्या ये सब सारी चीजें मुझे समझ में आ रही हैं? Yes. समझ में आ रही है ये सारी चीजें? Yes. दोस्तों मुझे है ना, मुझे कनेक्ट होना है। मैं आज कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, मुझे एक हथियार चाहिए, इंटरनेशनल एसोसिएट एक हथियार है। नहीं सिर्फ इतना बल्कि अगर मैं इंटरनेशनल एसोसिएट बनता हूं तो मुझे डॉलर में पैसा कमाने का मौका मिलता है, वो मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग है, इट्स ए डॉलर अर्निंग फॉर मी। मुझे जो है
मुझे रुपीस में पैसा तो कमाना ही है, मुझे डॉलर में भी पैसा कमाना है, इसीलिए मुझे इंटरनेशनल एसोसिएट बनना है, मुझे बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, मुझे डॉलर में भी पैसा कमाना है एंड इसीलिए मुझे इंटरनेशनल एसोसिएट बनना है। नहीं सिर्फ इतना, मुझे जानना है मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं कई सालों से काम कर रहा हूं, मैं लोगों को ज्ञान देता हूं, लोग मेरी बातें सुनते हैं, मुझे जो है मार्केट की बड़ी अपॉर्चुनिटी को जानना है, वो अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहता। इतनी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट की अपॉर्चुनिटी को मुझे जानना है। मैं भारत देश के लिमिटेड प्रोडक्ट से बंधा हुआ हूँ, कई सारे इंटरनेशनल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरे कस्टमर्स के लिए फ़ायदे के हैं, मैं उन सारे प्रोडक्ट्स को जानना चाहता हूँ, मैं यूनिक दुनिया के यूनिक प्रोडक्ट्स को जानना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी अंडरराइटिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं तो ये इन लोगों की अंडरराइटिंग अपॉर्चुनिटी जानता हूँ, उन लोगों की अंडरराइटिंग अपॉर्चुनिटी क्या है मैं जानना चाहता हूँ, मैं अर्निंग अपॉर्चुनिटी को जानना चाहता हूँ, मैं लर्निंग अपॉर्चुनिटी को जानना चाहता हूँ। क्या आप लोग ये सब चीज़ों को देख सकते हैं? क्या आप ये सब चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं? आर यू ऑल विथ मी? क्या आप सभी मेरे साथ में हैं? क्या आप लोगों को कुछ अननोन चीज दिखाई दे रही है? हमारा आज का जो टॉपिक है अनकवर द अननोन, जिसके ऊपर हमने आज दिन भर बात की है, आप मुझे बताइए, यू नो आई वांट टू सी दैट दोज विजनरी पीपल, हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू बिकम इंटरनेशनल एसोसिएट्स? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट आई वांट टू बिकम इंटरनेशनल एसोसिएट? हाउ मेनी ऑफ यू आर विजनरी पीपल? हाउ मेनी ऑफ यू आर विजनरी पीपल? देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप मुझे बताइए कि भारत देश में आज की तारीख तक कितने लोग जो हैं वो इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं? आज की तारीख में कितने लोग इंश्योरेंस का, पूरे भारत देश में IRDA ने कितने लोगों को इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट दिया है बताइए? हाँ जी, कितने लोगों को इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट मिल चुका है? कितने लोग काम कर रहे हैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। 1956 से लेकर जब भी IRDA बना, मेरे ख्याल से 2000 के बाद ही बना होगा, कितने लोगों को इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट इशू हो चुका है बताइए? हाँ जी, 1 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, लेकिन कितने लोग TOT हैं? हाउ मेनी पीपल आर TOT? हाउ मेनी पीपल आर TOT? नंबर बोलिए। करीबन 100 लोग TOT हैं भारत देश में, करीबन 90 लोग TOT हैं आउट ऑफ वन करोर भारत देश में सिर्फ 90 लोग, कितने लोग? 90 से 100 लोग, 100 लोग का आंकड़ा बड़ा है, बड़ा बोल दिया, लेकिन करोड़ लोगों में से सिर्फ 90-100 लोग TOT हैं। कितने लोग कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं? कितने लोग कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं? करीबन 200-300 लोग कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं, इससे ज्यादा नहीं है। देखिए सर्टिफिकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है सक्सेसफुल होना। सर्टिफिकेट जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कुछ बड़ा काम करना। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़ा काम करना चाहते हैं? चलिए बताइए मेरे को, कितने लोग ऐसे हैं जो बड़ा काम करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट्स टू डू बिग? एक मरा हुआ यू नो क्या कहते हैं उसको, सैनिक है, एक मरा हुआ सैनिक है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, उसके अगल बगल में कई सारे हथियार हैं, क्या फायदा ऐसे हथियारों का, क्या फायदा? सबसे पहला नियम ऊर्जा होनी चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट्स टू डू बिग? हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट्स टू डू बिग? एक बार खड़े हो जाइए। हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट्स टू बिग? अगर आप करना चाहते हैं तो से यस। अगर आप करना चाहते हैं तो से यस। सुपर, बैठ जाइए। देखिए सर्टिफिकेट लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा काम करना ये हमारा मकसद है। दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक 3 दिन का गारंटीड सक्सेसफुल इंटरनेशनल एडवाइज़र एक कोर्स तैयार किया है, 3 दिन का गारंटीड सक्सेसफुल इंटरनेशनल एडवाइज़र। गारंटीड वर्ड जानबूझ के लगाया है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें
इसमें हमने जोड़ी है जो कि एक इंटरनेशनल एडवाइजर को गारंटीड सक्सेसफुल इंटरनेशनल एसोसिएट बनाने का काम करती है। हम सब जानते हैं कि नॉलेज ने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया है क्या? नॉलेज ने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया है। 3 दिन का ये जो कोर्स है, इसका क्या डायग्राम है वो आपको दिखाता हूँ। पहले दिन 1 घंटा होगा, जूम पे ये प्रोग्राम होगा, जहाँ पर हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, NRI क्लाइंट्स के साथ में ये पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। Day 2 हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, यूनिक प्रोडक्ट्स क्या है इंटरनेशनल के। और Day 3 4 घंटे का प्रोग्राम होगा, जहाँ पर हम आपको एक साइंस बताएंगे। ये एक बहुत ही जबरदस्त साइंस है जो कि हमें बताता है कि बड़ा अचीव करना बहुत आसान है छोटा अचीव करने से। छोटा अचीव करने में ज्यादा मेहनत लगती है, बड़ा अचीव करने में कम मेहनत लगती है। ये साइंस मुझे समझ में आ जाएगा, और जब ये साइंस मुझे समझ में आ जाएगा तो बड़ा जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और साथ में एक ऐसा टूल देंगे जिसकी मदद से जो मल्टी मिलियनर लोग हैं वो मेरी कम्युनिटी में आते जाते हैं, और उस कम्युनिटी का मैं ओनर होता हूँ, और ऑटोमेटिकली मल्टी मिलियनर लोग जो हैं वो मेरे साथ में जुड़ते जाते हैं। ये 3 दिन का कोर्स है, 7 घंटे का कोर्स है। पहला दिन 1 घंटा, दूसरा दिन 2 घंटा, तीसरा दिन 4 घंटा, और ये जो कोर्स है ये गारंटीड सक्सेसफुल मुझे बड़ा अचीव करने में मदद करता है। हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट्स टू डू बिग इन योर लाइफ? आप में से कितने लोग हैं जो ये चेंज करना चाहते हैं? जो अपडेट होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं? दोस्तों, ये जो कोर्स है, ये 3 दिन का कोर्स जो है, ये 23, 24, 25 नवंबर को होने वाला है, जूम पर होने वाला है। 23, 24, 25 नवंबर, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, तो 7 घंटे का ये कोर्स है। 23, 24, 25 नवंबर को ये जूम पर होने वाला है, लेकिन ये कोर्स सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हॉल में बैठे सभी लोगों को हमने ये ऑफर दे दिया है, नहीं, ये सबके लिए नहीं है। हमने इस हॉल में से 50 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, अभी ऐसे नहीं कि आज आइडेंटिफाई किया, पिछले कई दिनों के एक्सपीरियंस से और उनके बिजनेस से, आपके नेचर से नहीं, आपके बिजनेस से आइडेंटिफाई किया है। 50 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है जो कि इस कोर्स को कर सकते हैं हमारे साथ में। 3 दिन का ये कोर्स है, ये करीबन अगर करने जाए तो 3-4 महीना देना पड़ेगा, लेकिन उसको हमने पावर पैक बहुत समय बचाया है, और इसको सात घंटे में हमने समोया है। और कुछ सिलेक्टेड लोग, उनका हमने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है, और वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हम एक मैसेज डालेंगे, और वो मैसेज डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। 50 लोग ही हैं, करीबन 120-130 लोगों ने इस प्रोग्राम को रजिस्टर किया, आउट ऑफ विच 50 लोगों को हमने सिलेक्ट किया है। सबके लिए नहीं है। और जब ये 3 दिन के प्रोग्राम में आएंगे, जो व्यक्ति ये 3 दिन के प्रोग्राम में आएंगे, उनको हम BITV, थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर चेंज किया है, थोड़ा सा प्रोफेशनली जो सीरियस लोग हैं, जो कंसिस्टेंट लोग हैं, उन्हीं को साथ में लेके आगे जाना है, जो कंसिस्टेंट लोग हैं। क्योंकि किसी एक चीज़ को एक बार कर लूँगा और कुछ हासिल हो जाए, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंट रहने से ही चीज़ें होती हैं, तो कंसिस्टेंट लोगों को साथ में लेके जाना है, तो हम वहाँ पर जो लोग आएंगे उनको BITV की मेंबरशिप ऑफर करेंगे, और वहीं पर हम बताएंगे कि नेशनल मेगा माइंड शो कहां पर होने वाला है, कैसे होने वाला है। हमारा 3 दिन का जो अगला प्रोग्राम है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम, वहीं पर हम बताएंगे। दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत वैल्यूएबल है, इसे कहीं ऐसा ही मत समझ लेना कि ये छोटी मोटी चीज़ है 3 दिन में। अरे, ये तो 3 महीने में होने वाला प्रोग्राम है, लेकिन इसको समोया है हमने, 7 घंटे में 3 दिन में समोया है। इसकी कीमत जो है, अगर 10,000 रुपये है तो ज़्यादा है क्या? आवाज़ क्यों कम हो गई?
अरे मेरे को कोई इतना बड़ा करने की बात बता रहा है और उसके लिए अगर मैं 10,000 देता हूं तो ज्यादा है क्या? जरा जोर से बोलिए, ज्यादा है क्या? 3 घंटे के इस प्रोग्राम की कीमत अगर 10,000 रुपए है तो ज्यादा है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं, बुद्धिमत्ता को साथ में रख के। दोस्तों ये एक बहुत बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त ये 3 दिन का प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है जो कि बहुत सीरियस लोगों के लिए है, ऐसा नहीं कि घर किसी के लिए है, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड यू नो इसका जो है जो उसको कर रहा है वो सीरियसली कर पाए। ऐसा नहीं कि मैं चला गया, मेरी इच्छा तो है, मेरा क्रश तो है, क्रश वालों को नहीं लेना है, प्यार वालों को लेना, प्यार होना चाहिए यू नो कंसिस्टेंट। क्रश हो गया और जाके बाद में छोड़ दिया, नहीं वैसा नहीं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हमने 50 जन का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है और एक ऑफर देना चाहता हूं मैं। और ये जो ऑफर है ये उन 50 लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ 25 लोगों के लिए मैंने एक ऑफर डिजाइन किया है, क्योंकि मुझे पता है कि विजनरी जो है वो इमीडिएट किक जो है वो हर किसी में नहीं होती है, इमीडिएट किक जो है वो हर किसी में नहीं होती है। इसीलिए एक ऑफर डिजाइन किया है, सिर्फ 25 लोगों के लिए ये ऑफर है, सिर्फ 25 लोगों के लिए ऑफर है। और 10,000 रुपये की ये चीज़ 6:30 बजे तक जो विजनरी लोग होंगे, जो जिनके अंदर वो किक होगी, वो 2,500 रुपये में ये प्रोग्राम को बुक कर सकते हैं। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? यू नो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग खड़े हो जाएं। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यू नो आप लोगों के साथ में बिताए ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।